उनकी वाइफ लड़ रही थी वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के उठ लाए और बीजेपी चौथे नंबर पर चले गई। तो तेलंगाना में भी बीजेपी टाई टाइम हुई, महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम वन क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहां पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है उसको मैं कहूंगा कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको वहां पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था तो वहां पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है और हरियाणा में भी नहीं आ रहा है। तो बीजेपी को अभी भी सोचना पड़ेगा कि अब वो छोड़ दें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको खत्म करें। ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है। और विंडिक्टिवनेस को छोड़े, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, रूरल डिस्ट्रेस पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया, तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है। मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहां पर बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में लोग कुछ मेहनत नहीं किए, हरियाणा में भी ये कामयाबी है वहां के रीजनल लीडर्स की, तो ये मेरा अब तक का एक छोटा सा असेसमेंट है। जाहिर है जितने नतीजे आएंगे कल और आएंगे तो और डिटेल्स हमको और आपको मालूम। कल प्रमोद जी में बोला था आपको वो गिफ्ट जब तेरे मिल गया बस में जाके हमारे सर बताइए, ये चुनाव में महाराष्ट्र में लड़ी और बिहार में लड़ी, एक सीट बिहार की आई, एक तो महाराष्ट्र में दो आए आपके, लेकिन दोनों भी नए सीट आए, तो जो पहले के एग्जिस्टिंग सीट से आपके गए, तो कितनी खुशी या कितना गम है आपको? नहीं देखिए, यकीनन बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहां से कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहां से, और साथ ही साथ कांग्रेस थर्ड नंबर पर चले गई और बीजेपी सेकंड आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहां के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर लिमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, खासतौर से ईस्ट डॉक्टर अफ्फार खादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और जाहिर है मैं खुद देखूंगा कि क्या कमजोरी थी उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के पूरी अवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए,
और दो सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धूले की। और मैं मुबारकबाद देता हूं मालेगांव की आवाम को, धूले की आवाम को, वहां के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती और इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी एमआईएम की टीम को और धूले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिजल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए। और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहां पर कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहां पर बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के हक में अपना आउट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, पर हम वर्डिक्ट है उस पर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूर नगर में टीआरएस ने जो पीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो आरटीसी के एम्प्लॉय सुसाइड किए हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नंबर एक। एक दूसरा मामला भी उन्होंने कहा कि मैं गल्फ जाऊंगा, वहां से तेलंगाना के जो लोग हैं उनको लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट में ज्यादातर यूपी बिहार के लोग हैं। इन दोनों टाइप की क्या वो गल्फ जाकर तेलंगाना के लोगों को बुलाएंगे यहाँ? हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर तेलंगाना के अवाम वापिस आकर अपनी सरजमीन पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और यहाँ की सरकार उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगी उनके टैलेंट को इस्तेमाल करने की, तो बुरी बात क्या है, बहुत अच्छा है। जब देखिए, आप दुनिया के हर कोने में जाइए, यूरोप में चल जाइए, यूएस में जाइए, आपको तेलंगाना और आंध्रा के लोग मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर उनको एक एनवायरमेंट मिल रहा है उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने का। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मोस्ट हर जगह पर आपको मिलेंगे। अगर केसीआर उस तरह का एनवायरमेंट पैदा करना चाहते हैं और उनको दावत दे रहे हैं तो वेलकम करना चाहिए, उससे बुरी बात क्या है। रहा सवाल स्ट्राइक का, सुसाइड का, मुझे नहीं मालूम, आपसे मालूम हो रहा है, मगर अब हाईकोर्ट ने कहा है कि बातचीत करने के लिए बातचीत होगी, मालूम होगा। मेरी जहां तक मेरी राय है, सुसाइड नहीं करना चाहिए। कोई अगर सुसाइड करता है तो बड़ी तकलीफ दे बात है और सुसाइड नहीं होना चाहिए, किसी का भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। मैं तेलंगाना के एजुटेशन में हम उसके खिलाफ थे, उस वक्त भी मैंने स्टूडेंट से कहा था कि सुसाइड मत करिए, जिंदा रहिए और अपने हक के लिए बात करिए, जमहूरियत में लड़िए। सर, सूबे के में आपने एमआईएम में एक इतिहास रचा कि एक सीट से दो सीट हुई पार्लियामेंट में, ये जो रिजल्ट कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि जो बाबा साहब के साथ जो आपका गठबंधन था वो उसको कामयाब रखने में आप विफल रहे और उसका ये नतीजा है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे मेहनत के बावजूद आपको सीटें नहीं है? देखिए, हमारा वंचित बहुजन अगाड़ी से अलायंस पार्लियामेंट इलेक्शन में था, ये बात सही है। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमने इलेक्शन लड़ा, एक ही पार्लियामेंट की सीट पर हमने कंटेस्ट किया था, बाकी सीट पर हमने वीबीए की ताईद की थी। अब अलायंस नहीं हुआ तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मगर हमारा जो स्ट्रेंथ था हमने उसको रिटेन किया। हम पहले से ज्यादा असेंबली की सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। अगर अलायंस होता तो क्या हो सकता था, ये तो देखिए, ये तो इफ्स एंड बट्स, ये उस पर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता था, ठीक है, हो सकता। दूसरी ताकतों ने प्रभावित किया, उनको मैनिपुलेट किया कि आपके साथ गठबंधन ना हो? आप देखिए, मैं नहीं मालूम ये बात, तो वो बड़ा साहब खुद कह सकते हैं, मगर मेरे दिल में जो उनके लिए इज्जत है वो जिंदगी भर रहेगी। और एयरपोर्ट पर एक जगह मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैंने बड़ा साहब का उनसे मुलाकात की, बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए और उनसे कहा कि ओवैसी तुम्हारी बिरयानी अभी ड्यू है, तो मैं जरूर बड़ा साहब से मिलूंगा, उनको मेरी जो बिरयानी ड्यू है उसको पूरा करूंगा। अब देखेंगे, देखिए ये चीजें हैं तो उसके बाद ही बता। टीआरएस ने जो परफॉर्म किया है तेलंगाना बायपोल हुजूर नगर असेंबली में, उससे आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो और जगहों पर अच्छा प्रदर्शन किया उससे खुश नजर नहीं आ रहे, क्यों? अब देखिए, अगर आपको बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो मुबारकबाद हो आपको, मुझे तो लग रहा है बीजेपी चौथे नंबर पे आई। नहीं, देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने तेलंगाना में जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था वो मैं उस वक्त भी आपको कहा था, मैंने कहा था सिर्फ एक सीट पर उनकी कामयाबी सही है, तीन जगह पर बाय डिफॉल्ट जीते हैं। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, प्राइवेटली भी मैंने कहा
कि देखिए ये तीन जगह पर टीआरएस की कमजोरियां गलतियां थे, कैंडिडेट्स की वजह थे, कोर कॉन्फिडेंस था, मैंने आपसे कहा था, पब्लिकली भी कहा और वो बात सही साबित हुई। टीआरएस ने अपना होमवर्क किया, केसीआर ने सबको बिठाकर और पूरी प्लानिंग की, केटीआर ने और उनके तमाम वहां के लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया। देखिए ये 40,000 की जो मेजॉरिटी है ना, आरटीसी की स्ट्राइक चल रही है और पूरा अपोजिशन एक तरफ हो गया, सीपीआई टीआरएस की ताईद कर रही थी, ताईद वापस ले ली, मीडिया के लोग मुझसे कह रहे थे कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा नहीं हम तो टीआरएस के साथ रहेंगे। हमको जमीन पर मालूम था कि टीआरएस अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और ये यकीनन अगर टीआरएस की कामयाबी है तो इसमें बहुत बड़ा रोल उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को जाता है कि उन्होंने सबको गलत साबित किया, वरना आप लोग ऐसा लगा बता रहे थे, मीडिया में ऐसा आ रहा था कि आरटीसी की स्ट्राइक हो गई और पूरा खत्म हो गया और वो हार जाएंगे, क्या हो गया भाई, पूरा टाइम टाइम हो गया। यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो मुकाबला करने के पोजिशन में नहीं है और खास तौर से टीआरएस का जो जो पार्टी है और फिर एमआईएम उनके साथ है। आप देख लीजिए 40,000 आप बोलिए सिटिंग आप एमएलए वहां के, आपने चार महीने पहले आठ महीने पहले इलेक्शन जीता और इतना बुरी आपको शिकस्त होती है तो यकीनन ये तो कांग्रेस का ग्राफ गिर जा रहा है तेलंगाना। आपको लगता है कि कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है और खास करके महाराष्ट्र में एनसीपी के जो लीडर्स है शरद पवार उनके ऊपर जो ईडी का ये भी किया गया था, क्या वो विंडिक्टिव साबित हुआ और कांग्रेस और एनसीपी को उसका फायदा हुआ? देखिए शरद पवार साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी जस्तजू की और वो एक पुराने पॉलिटिशियन है और जाहिर है उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस अच्छा रहा एनसीपी का तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और कांग्रेस क्या फिर से हरियाणा में बना सकते जिस प्रकार के अटकलें चल रही है? नहीं मालूम ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी और अमित शाह और ये सब उनकी टीम क्या कर रही है क्या। देखिए मुझे यकीन है कि ये लोग, इनको दो तीन दिन पहले मालूम हो गया था कि ये नहीं ला रहे हैं तो जाहिर है वो दो दिन पहले क्या करे नहीं मालूम, क्या रोटी पकाए और वो क्या निकालेगे नहीं मालूम, मगर ये है ना कि ये लोग मैजिक करने में बड़े माहिर हैं। मैजिक अलग है, रियलिटी अलग है। मैजिक करे तो अलग बात है कि भाई अगर किसी के हैट में से खरगोश निकालते हैं हरियाणा में तो नहीं मालूम क्या होगा। सर भैया आपको जैसे पार्टी